गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नगरीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्वशासन के बारे में बताया था। 73वें संविधान संशोधन की बात हमने की थी बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों नगरीय स्वशासन की। आप सब जानते हैं बच्चों कि स्थानीय स्वशासन के दो रूप हैं, ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। आज हम चर्चा करने वाले हैं नगरीय स्वशासन की। देखो बच्चों, स्थानीय स्वशासन के प्रमाण हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिलते हैं। वैसे ही मेगस्थनीज, जिसने इंडिका लिखी, मेगस्थनीज जो कि मौर्य काल में यूनानी राजदूत बनकर के आया था, मेगस्थनीज की इंडिका से हमें पता चलता है कि उस समय भी पांडिचेरी जो आपका जो व्यवस्था थी वहां पर भी क्या था आपका, वहां पर भी किसकी व्यवस्था थी, मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में भी क्या था, मगध साम्राज्य में भी नगर निगम नगर पालिका की व्यवस्था का विधान था। वैसे ही उसके बाद आईने अकबरी में भी हमें नगर नियोजन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार 1687 में भारत में पहला नगर निगम की स्थापना हुई, मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो प्राचीन काल से ही हमें नगर नियोजन व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, नगरीय स्वशासन के प्रमाण मिलते हैं। पहला मेगस्थनीज की इंडिका से, दूसरा 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई। इससे पहले अकबर के शासनकाल का जो आपका पहले का जो काल है उसमें आईने अकबरी से भी हमें नगर निगम के प्रमाण देखने को मिलते हैं बच्चों। आज हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन के जो प्रमाण है या आगे जो विकास किया जा रहा है उसमें नगरीय स्वशासन को भी बढ़ावा दिया गया। और आप सब जानते हैं नगरीय स्वशासन की व्यवस्था का विधान जो है वो पहले से ही था, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नगरीय स्वशासन को हमारे भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, जिसे हम 74वां संविधान संशोधन कहते हैं। इस 74वें संविधान संशोधन जो कि कब आया, 1992 में आया और इसे 1 जून 1993 को पारित कर दिया गया। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन पारित हो गया और हमारे भारत में नगरीय संस्थाओं को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और नगर पालिकाओं की व्यवस्था का विधान किया गया। और हमारे भारतीय संविधान में कहा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत कि नगर पालिकाओं का विधान किया जाएगा। और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक जो है वो नगरीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है बच्चों। इसके अलावा नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगरीय स्वशासन को बच्चों 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय नगरीय स्वशासन को दिए गए हैं 74वें संविधान संशोधन के तहत। अब बात करते हैं नगरीय स्वशासन के अंतर्गत हमारे राजस्थान की ही अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन सी व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। उसमें आपके नगर पालिका, दूसरी है नगर परिषद और तीसरी है नगर निगम। राजस्थान की नगरीय स्वशासन की बात करें हम तो ये तीनों व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है कि कहां पर नगर पालिका होगी, कहां पर नगर परिषद होगा और कहां पर नगर निगम होगा, इसकी व्यवस्था हम कैसे करें। तो बच्चों ध्यान रखना, जहां पर 20,000 से कम की अगर जनसंख्या है तो वहां पर नगर पालिका बनाई जाती है, और 20,000 से 1,00,000 के बीच में जहां जनसंख्या है वहां पर क्या बनाया जाता है, नगर परिषद की स्थापना की जाती है। कहां पर, जहां पर 20,000
20,000 से 1,00,000 के बीच में जहां जनसंख्या है वहां पर नगर पालिका होगी, जहां पर 1,00,000 से 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में अगर जनसंख्या है तो वहां पर क्या होगा, नगर परिषद होगी, और जहां पर 5,00,000 से अधिक जनसंख्या है जो वहां पर होता है आपका नगर निगम। तो तीनों तरह की व्यवस्थाएं ध्यान रखना, जहां पर 20,000 से 1,00,000 के बीच में जनसंख्या है वहां पर होगी नगर पालिका, जहां पर 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में जनसंख्या है वहां पर होगी नगर परिषद, और जहां पर 5,00,000 से अधिक जनसंख्या है वहां पर होगा नगर निगम। ठीक है बच्चों, अब बात आता है अध्यक्ष। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसको बच्चों अध्यक्ष या सभापति के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष या सभापति के नाम से जाना जाता है, जबकि नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति के नाम से जाना जाता है, और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महापौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो होगा उसे बोलते हैं उपसभापति, यहाँ पर क्या बोलते हैं? उपसभापति, यहाँ पर भी बोलते हैं उपसभापति। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं उप महापौर। ठीक है, अब बात आती है वार्ड सदस्य। नगरीय स्वशासन संस्थाओं के जो वार्ड सदस्य होते हैं उनको ग्रामीण स्वशासन में बोलते हैं वार्ड पंच, जबकि शहरों में उसको बोलते हैं पार्षद। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्षद के नाम से इनको जाना जाता है। क्या कहते हैं? पार्षद के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? वार्ड सदस्य को। फिर होता है सरकारी अधिकारी। ध्यान रखना बच्चों कि नगर पालिका स्तर पर सरकारी अधिकारी होता है अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अधिशासी अधिकारी बोलते हैं। नगर परिषद स्तर पर जो सरकारी अधिकारी होता है उसको बोलते हैं बच्चों आयुक्त, और यहां पर बोलते हैं नगर आयुक्त। यहां पर बोलते हैं नगर आयुक्त। ध्यान रखना नगरीय स्वशासन में नगरीय स्तर पर नगर पालिका स्तर पर जो सरकारी अधिकारी होता है उसे कहते हैं अधिशासी अधिकारी। नगर परिषद स्तर पर जो होता है सरकारी अधिकारी उसे कहते हैं आयुक्त, और नगर निगम स्तर पर होता है उसको बोलते हैं नगर आयुक्त। अब बात रही त्याग पत्र की, तो पार्षद आपके जो उपसभापति और आपका जो पार्षद है वो तो त्याग पत्र देंगे दोनों। किसको? सभापति को। किसको देंगे? सभापति को, जबकि सभापति अपना त्याग पत्र देगा अधिशासी अधिकारी। ध्यान रखना बच्चों जो उपसभापति और जो पार्षद होगा वो त्याग पत्र देगा सभापति को, और सभापति अपना त्याग पत्र देगा अधिशासी अधिकारी को। यही बात यहाँ पर लागू होती है। उपसभापति प्लस जो आपके पार्षद है वो देते हैं आपके सभापति को, और सभापति अपना त्याग पत्र देता है आयुक्त को। किसको देता है? आयुक्त को। यहां पर भी यही बात है बच्चों, यहां पर भी यही बात है कि जो आपका उप महापौर और जो आपके पार्षद है वो आपको देंगे त्याग पत्र महापौर को, और महापौर अपना त्याग पत्र देगा नगर आयुक्त को। ध्यान रखना बच्चों इस बात का। त्याग पत्र किसको कौन देगा देखना एक बार, उपसभापति और पार्षद देंगे सभापति को, सभापति देगा अधिशासी अधिकारी को। उपसभापति और पार्षद देंगे सभापति को, और सभापति देगा आयुक्त को। उपमहापौर और पार्षद देंगे महापौर को,
और महापौर देगा, नगर आयुक्त को क्या देता है बच्चों, त्याग पत्र देता है। अब इसके बाद में आता है बच्चों निर्वाचन। ध्यान रखना बच्चों, निर्वाचन की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है किसको, पार्षदों को। पार्षदों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 2009 से इस बात की व्यवस्था की गई कि जो आपका सभापति, महापौर और जो भी इसका अध्यक्ष होगा उसको अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाएगा, लेकिन राजस्थान में 2014 से वापस अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया कि अब प्रत्यक्ष रूप से ही अध्यक्ष सभापति का चुनाव किया जाएगा। समझ में आया? बात यह है कि प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव होता है, जबकि उपसभापति का चुनाव किसका, उपसभापति का चुनाव पार्षद करते हैं। पार्षद अपने में से ही उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं। जो ये व्यवस्था है वो यहाँ पर और वहां पर लागू होती है। यहाँ पर भी यही होता है, प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं पार्षद और अध्यक्ष, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से उपसभापति चुना जाता है, जिसको कौन चुनते हैं, पार्षद अपने में से ही चुन लेते हैं। और यही व्यवस्था आपके नगर निगम में लागू होती है। अब बात करते हैं, निर्वाचन हो गया, कार्यकाल। कार्यकाल है वही 5 वर्ष। 3/4 बहुमत से अगर प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या किया जा सकता है, अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। 3/4 अविश्वास प्रस्ताव अगर बहुमत से पारित हो जाता है तो अध्यक्ष को, महापौर को उसके पद से हटाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। आरक्षण की बात करें, SC ST को आरक्षण है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन भारत के 19 राज्यों में अब 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। किसको, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कह दी गई है। अब बात आती है योग्यताओं की। अगर आपको नगरीय स्वशासन में आपको क्या चाहिए, आपको पार्षद बनना है, आपको अध्यक्ष बनना है, तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई फौजदारी मामला न्यायालय में नहीं चल रहा हो, भारत का नागरिक हो, वो सभी योग्यताएं अगर आप में हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हमने राजस्थान के नगरीय स्वशासन के बारे में एक त्रिस्तरीय ढांचा पढ़ा। इसी के आधार पर हम आगे के वीडियोस में 74वां संविधान संशोधन को पढ़ेंगे बच्चों। तो नगरीय स्वशासन जो व्यवस्थाएं हैं उसके 3 स्तरों के बारे में हमने पढ़ा। पहला नगरपालिका, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। नगरपालिका वहां पर होगी जहां 20,000 से 1,00,000 के बीच में जनसंख्या है। नगर परिषद वहां होगी जहां 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में जनसंख्या है। नगर निगम वहां होगा जहां 5,00,000 से अधिक की जनसंख्या है। अध्यक्ष, नगरपालिका का जो अध्यक्ष है वो सभापति कहलाता है, नगर परिषद का भी सभापति कहलाता है, जबकि नगर निगम का महापौर कहलाता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष को उपसभापति कहते हैं, यहाँ पर उपसभापति कहते हैं और यहाँ पर उपमहापौर के नाम से जाना जाता है। वार्ड सदस्यों को पार्षद के नाम से जाना जाता है तीनों सेक्टर्स में। सरकारी अधिकारी नगर पालिका स्तर पर बोलते हैं अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद स्तर पर बोलते हैं आयुक्त और नगर निगम स्तर पर बोलते हैं उसको नगर आयुक्त। उसके बाद आता है त्याग पत्र। उपसभापति और पार्षद त्याग पत्र देते हैं सभापति को और सभापति देता है अधिशासी अधिकारी को। वही स्थिति वहां पर लागू होती है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है पार्षदों का और अध्यक्ष का, उपसभापति का चुनाव सभी पार्षद मिलकर के आपस में कर लेते हैं, वही स्थिति इन दोनों में लागू होती है। कार्यकाल 5 साल का होता है। 3/4 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है बच्चा, जिसको हम राइट टू रिकॉल के नाम से भी जाना जाता है। आरक्षण का विधान है, SC ST को आरक्षण है,
महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन राजस्थान के 19 राज्यों में, भारत के 19 राज्यों में 50% आरक्षण का विधान कर दिया गया है। उसके बाद योग्यताएं उसमें 21 साल का होना चाहिए। आज हमने राजस्थान के नगरीय स्वशासन के बारे में अध्ययन किया, जिस नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया 74वें संविधान संशोधन में। तो 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 से 243 में क्या है इसके बारे में हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के ये सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवाऊं, कंपटीशन एग्जाम्स की आपको मैं तैयारी करवाऊं, तो देखते रहिए नव भारती स्टडी सर्कल पर, बने रहिए और आगे के वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट्स दें और आगे के वीडियोस को आप देखें अच्छे से समझें, ताकि आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। बच्चों धन्यवाद।